सहारनपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 1.5 करोड़ के स्मैक तस्कर के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। तस्करों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में स्मैक बरामद की। बता दें कि थाना मंडी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की है। फिलहाल पुलिस फरार 2 आरोपियों की तलाश कर रही है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल नेतृत्व में थाना मंडी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में 3 शातिर स्मैकियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम शिवम खुराना है, शिवम खुराना, अमर राणा और शुभम शेट्टी है। और इनके पास से 1150 ग्राम स्मैक, 13 मोबाइल और तीन अवैध तमंचे, 7 जिंदा कारतूस, 315 बोर के और 2 खोखे बरामद किए गए हैं। इनके साथ साथ 58,500 रुपये नकद भी इनके पास से बरामद हुए हैं, कि 2 साथी अभी भागे हुए हैं, जिनको गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित कर दी गई है। मैडम, कहाँ से ये लोग स्मैक ला रहे थे, कहाँ पर बेच रहे हैं सहारनपुर में, और मोबाइल फोन जो 13 मिले हैं इनसे, वो किस प्रकार के फोन हैं, क्या लोकेट हुए हैं? जो मोबाइल फोन इनके पास है, ये कस्टमर से लेते थे और उनके साथ डीलिंग करके जो है उनको स्मैक बेच देते थे। और ये अधिकतर जो स्मैक है ये बरेली से लाई जा रही थी और इसको जो है आगे ये लोग बैंक्स में और स्टूडेंट्स वगैरह को बेचते हैं, जिसके बारे में अभी जानकारी की जा रही है। अभी इनका कोई अपराधी के साथ इतिहास कोई है और रहा हो तो इसमें कुछ अपडेट कुछ जी, इसमें से 2 लोग जो है पहले सदर थाने से लूट और शराब की तस्करी में भी जेल जा चुके हैं।